माशाल्लाह बहुत ही मजेदार। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मलेशियन ट्रेडिशनल डिश जिसका नाम है नासी लमा। और चले देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सो गाइस, हमें नासी लमा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए यहाँ पे चावल 1 कप, उसके बाद हमें चाहिए कोकोनट दूध, नारियल का दूध है। अगर आपको मैंने तो इस नारियल से निकाला है, अगर आपको इससे मुश्किल हो तो हमें ये भी मिल जाता है मार्केट में, ये मिल जाता है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमें चाहिए पीनट, और ये है लहसुन अदरक और 2 चिली मैंने डाली है उसका पेस्ट। यहाँ पे ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और नमक, और ये हमने लिया एक चिकन, छोटा सा आप जितना भी पीस ले सकते हो, एक चिकन का पीस। और यहाँ पे हमने लिया है खीरा, 1 अदद खीरा, छोटा फिश का बेबी। तो गाइस, ये नारियल का दूध निकालने के लिए आपको 1 या 2 नारियल लें, उसको कद्दूकश करें, कद्दूकश करके इसको इसमें थोड़ा सा पानी डालें और हाथ से ऐसे नहीं तो कोई छन्नी ले लें, छन्नी से इसका पानी निकाल लें, वो इसका दूध निकल आएगा। चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे चिकन, इसमें थोड़ा पानी है ये निकाल लेते हैं। इसमें अदरक लहसुन और चिली का पेस्ट डाल देंगे, इसको अच्छे से इसके अंदर कट जो लगाए हुए हैं ना, इसके अंदर कट लगा देंगे, गहरे कट लगाने इसके अंदर तक जाए। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, अभी थोड़ा इसमें ऐड करते हैं सूखा धनिया, धनिया पाउडर और जीरा, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाली है ये वीडियो। और ये आप अगर मलेशिया में कभी आए हो तो आप देखोगे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट इसी चीज़ का मिलता है। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे, और अभी हम चावल बनाने का तरीका देखते हैं कि चावल कैसे बनाते हैं कोकोनट मिल्क से। चावल धो लिए अच्छे से, राइस कुकर में डाल दिए धो के। अब हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे, आप देख सकते हो अगर ये कोकोनट मिल्क कम हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। तो हमारे पास नेक्स्ट है पंडन लीफ, पंडन का पत्ता है। अगर आपको पाकिस्तान, वैसे तो एशिया में ये हर जगह मिलता है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप अदरक थोड़ा सा कूट के ना वो डाल सकते हैं उसकी खुशबू के लिए। चलें अभी इसको रखते हैं राइस कुकर को पकने के लिए चावल। सो गाइस, हमने राइस कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया, गैस ऑन करेंगे, इसको बिल्कुल स्लो आग पे पकाना है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक ऐड कर दिया, अब ये ढक्कन ऊपर रख देंगे। जब तक ये राइस बनते हैं तब तक हम देखते हैं चिकन फ्राई कैसे करना है। गाइस, पैन गर्म हो गया, हम डालते हैं कुकिंग ऑयल। हमारा ऑयल गर्म हो गया, हम ये डालते हैं। अब हम फ्राई करेंगे पीनट, इसको हिलाएंगे। हम इस पर पैन में चिकन फ्राई करेंगे, कुकिंग ऑयल डालेंगे। गाइस, हमारा ऑयल गर्म हो गया, अभी जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था उसको डीप फ्राई करेंगे। हमारा चिकन बन गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया,
साथ में हमारे चावल भी रेडी हो गए, तो चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नासी लम्बे के लिए ये सांभर भी बहुत ज़रूरी है। इसमें टमाटर है, ऑनियन है और लहसुन और रेड चिली इसका पेस्ट है, और ये इसके साथ खाया जाता है नासी लम्बा। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा इसकी रेसिपी। एशियन ट्रेडिशनल नासी लम्बा बन गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे मुँह से पानी आ रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त जिशान शमस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओके, बिस्मिल्लाह, खा के ट्राई करेंगे। ये सांभर लेंगे, पीनट, फिश बेबी और थोड़ा सा चिकन का पीस, हाथ से खाना चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं कैसे बोलूँ, बहुत मज़ेदार बना।